छह सूत्रीय मांगों को लेकर चौकीदारों बैठे धरने पर। चौकीदारों ने बताया, हम बहुत ही गरीब परिवार से जुड़े हैं। हम चौकीदारों को 1500 रुपए पदभर से मात्र प्रति माह मानदेय है, जिसमें हम गरीब चौकीदारों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई व पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा है। चौकीदारों की छह सूत्रीय मांगे नी मनलिखित ग्राम चौकीदारों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, नियमित ड्यूटी दी जाए तथा वर्दी बैच का भत्ता दिया जाए, पूरे परिवार की चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था निःशुल्क की जाए, फंड व बोनस एरिया की व्यवस्था की जाए, चौकीदार की दुर्घटना मृत्यु होने पर 10,000 रुपए 1,00,000 आर्थिक सहायता उसके परिवार को मुहैया कराई जाए, मृतक आश्रित कोटे पर उसके परिवार के सदस्य को योग्यतानुसार नौकरी दी। इन मांगों को लेकर धरने पर राजाराम, जयपाल, वीरपाल, मोहम्मद नवी, रियासत हुसैन, रामचंद्र, देवकी नंदन, रामकिशोर, पातिराम आदि रहे। नाम है आपका? मेरा नाम अनोखीलाल। आप क्या मांगे बताएं? मांगे सर हमारी जो है राज कर्मचारी दर्जा दिया जाए, चतुर्श्रेणी वेतन मिलना चाहिए और सभी मांगे हम बहुत समय से करते आए हैं। 1962 से हम लोगों की भर्ती है अंग्रेजी जमाने से और सबसे पीछे आज तक हमारा चौकीदार भाई है। केवल 1500 रुपये मिलते हैं, 50 रुपये प्रति माह। ना हम कहीं किसी की मजदूरी कर सकते हैं, ना हम कहीं नौकरी कर सकते हैं और कहीं अगर कोई हमारा भाई अगर जाता भी है तो थाने में सूचना आ जाती है हमारा चौकीदार तुम्हारा जो है कहीं नौकरी कर रहा है। अब बताइए हम अपने 1500 रुपये में किस तरीके से अपने बच्चों का गुजारा करें, ना पढ़ा सकते हैं, ना अपनी साग सब्जी कर सकते हैं, ना रोटी भी प्राप्त नहीं हो रही है। इस तरीके से हमारा कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। जो भी सरकार आती है वो हमसे वायदा करती है और वायदा करके अपना काम पूरा करके तब तक दूसरा इलेक्शन करीब आ जाता है। और अब जो है जो मांगे हमारे पोस्ट में पेपर में हमारे दी हुई है वो हमारे पास मौजूद है।